खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान 2019 के आम चुनाव के चर्चित बयानों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव गांधी के नाम को 2019 के चुनावों में क्यों खींचा? क्या प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के राफेल लड़ाकू विमानों पर चल रहे नारों का जवाब दे रहे थे? चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। आज से 30 साल पहले भी ऐसे ही नारे लगे थे। तब नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और चुनाव मैदान में उनको चुनौती दे रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और सड़कों पर बोफोर्स का नाम गूंज रहा था। चौकीदार की जगह राजीव गांधी का नाम चल रहा था। इस घटना के 30 साल बाद नरेंद्र मोदी राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर वन कह रहे थे, तब उनका इशारा उसी बोफोर्स तोप घोटाले की तरफ था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक बेहद खास कार्यक्रम राजीव और बोफोर्स में। बोफोर्स, पिछले 30 सालों से हमारी मीडिया, हमारे नेता इस लफ्ज का लगातार इस्तेमाल करते रहे। बोफोर्स तोप ने आज तक जितने गोले नहीं दागे होंगे उससे ज्यादा पक्ष विपक्ष के नेताओं ने इसका इस्तेमाल किया है। 30 साल से यह एक ऐसा जिन्न है जिसे कभी बोतल के अंदर बंद कर दिया जाता है तो कभी निकाल दिया जाता है। ऐसा क्या है? बोफोर्स एक मुद्दा कैसे बना, क्यों बना, और कैसे बोफोर्स सत्ता परिवर्तन का कारण बना? और सबसे खास बात, कैसे चोर लफ्ज पहली बार भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गया? पहली बार बोफोर्स नाम जब उठा तब भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, आज के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी। उन पर यह आरोप लगा कि जब भारत ने 400 से ज्यादा स्वीडन में बनी बोफोर्स कंपनी की तोपें खरीदी तब राजीव गांधी या उनके करीबियों ने करीब 64 करोड़ रुपए की कमीशन। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 1984 में। प्रधानमंत्री और उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। कुछ ही दिन बाद दोबारा चुनाव हुए। इन चुनावों में 400 से ज्यादा सीट मिली। ऐसा बहुमत इंदिरा गांधी क्या जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं मिला था। राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति की बात की, करप्शन के खिलाफ लड़ाई की बात की, खुद अपनी पार्टी की आलोचना से भी वे नहीं चूके। देश भर में कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता हमारी नीतियों और प्रोग्राम को लेकर काफी उत्साहित हैं। वो देश और पार्टी के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कंधे पर सत्ता के दलाल बैठे हुए हैं और ये सत्ता के दलाल उन्हें रेवड़ियां बांट रहे हैं। और नतीजा क्या होता है? कांग्रेस पार्टी जो एक मास मूवमेंट है, एक आंदोलन है, कुछ चंद लोगों ने इसे अपनी जागीर बना ली है। राजीव गांधी की मंशा पर लोगों को भरोसा होने लगा था। वे भारतीय राजनीति के मिस्टर क्लीन कहे जाने लगे। उनके करीबियों में तीन नाम आते थे, अरुण नेहरू, अरुण सिंह, वीपी सिंह। ये तीन नाम उन दिनों काफी अहमियत रखते थे।
लेकिन हालात जल्द ही बदल गए। अरुण नेहरू गृह राज्य मंत्री थे, उनके पास आंतरिक सुरक्षा का इंडिपेंडेंट चार्ज था। 22 अक्टूबर 1986 राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 26वीं बार अपनी कैबिनेट में फेरबदल की और उस फेरबदल में अपने भाई और बेहद करीबी सलाहकार अरुण नेहरू को जगह नहीं दी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तभी से उन्होंने अरुण नेहरू के प्रभाव को कम करना शुरू कर दिया था। राजीव गांधी को यह लगता था कि अरुण नेहरू उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, जबकि अरुण नेहरू को यह लगता था कि अगर परिवार को ही राज करना है, परिवार के ही किसी सदस्य को राज करना है, तो वो खुद अरुण नेहरू ही क्यों ना हो। बहरहाल ये परिवार की छोटी मोटी दिक्कतें थी। राजीव गांधी की असली मुश्किल अभी आने वाली थी और उसके पीछे थे उनके फिनांस मिनिस्टर वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्हें आगे बढ़ाने में संजय गांधी का बड़ा हाथ था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वीपी सिंह को केंद्र में फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। बतौर फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने बड़ी कंपनियों की टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह इन कदमों से काफी लोकप्रिय हो रहे थे, उनकी छवि एक ईमानदार नेता की बनती जा रही थी। इस दौरान कस्टम रेवेन्यू 20% बढ़ा और एक्साइज रेवेन्यू 12%। लेकिन तभी राजीव गांधी ने एक बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया। वीपी सिंह को राजीव गांधी ने मिलने के लिए बुलाया। वीपी सिंह जी, सीमा पर हालात ठीक नहीं है, हालात बहुत गंभीर है जी। मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय आप जैसा कोई जिम्मेदार आदमी संभाले। ठीक है, जैसा आप ठीक समझते हैं। आपने वित्त मंत्रालय संभालने के लिए कहा था, वो हम कर रहे थे, लेकिन अब आप रक्षा मंत्रालय संभालने के लिए कहते हैं तो वहां भी हम पूरी कोशिश करेंगे। वीपी सिंह को वित्त मंत्री से रक्षा मंत्री क्यों बनाया गया? क्या इसकी वजह देश को रक्षा की जरूरत थी, जैसा कि राजीव गांधी ने वीपी सिंह को कहा, या वीपी सिंह का कद बड़ा होता जा रहा था, या इससे भी अलग राजीव गांधी पर उन बिजनेस घरानों का दबाव था जिनके खिलाफ वीपी सिंह कदम उठा रहे थे? मेन कारण यह था कि जो रेड्स कुछ हो रही थी उस समय इनकम टैक्स की तरफ से, कस्टम वालों की तरफ से, उससे कई कॉर्पोरेट हाउसेस नाराज थे। तो मुझे ये लगता है कि कॉर्पोरेट हाउसेस की लॉबिंग से श्री गांधी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा और उन्होंने उनको वित्त मंत्रालय से हटा के रक्षा मंत्रालय में ट्रांसफर करा दिया। वीपी सिंह को डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री बना दिया गया। क्या यहीं से वीपी सिंह और राजीव गांधी के बीच खाई बढ़ने लगी और इस खाई ने भारतीय राजनीति को किस ओर धकेला? छह फरवरी 1987 इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर भूरे लाल ने एक नोट रेवेन्यू सेक्रेटरी विनोद पांडे को भेजा। इस नोट में जानकारी दी गई थी कि भूरे लाल ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एक प्राइवेट जासूसी एजेंसी फेयरफैक्स को टैक्स चोरी और विदेशी करेंसी में हेराफेरी करने वाली कंपनियों की जांच का काम सौंपा है। फेयरफैक्स जासूसी एजेंसी को उनके काम के मुताबिक पैसा दिया जाना था। नोट भेजने के कुछ दिन बाद ही भूरे लाल को डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पद से हटा दिया गया। इसी दौरान बतौर डिफेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने अपने पुराने मंत्रालय में नोट भेजा और कहा कि भूरे लाल ने उनके मौखिक आदेश पर फेयरफैक्स को जासूसी के काम में लगाया था। कहा जाने लगा कि सरकार को गिराने के लिए विदेशी एजेंसी फेयरफैक्स को काम में लगाया गया है। वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए वीपी सिंह साहब ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से पूछे बगैर फायरफैक्स को काम दे दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि वीपी सिंह साहब का प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अंधेरे में रखने के लिए क्या मकसद था? एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं ने वीपी सिंह को फेयरफैक्स के मसले पर घेरना शुरू किया। साफ था
फेयरफैक्स को बहाना बनाकर वीपी सिंह को किनारे करने की कोशिश शुरू हो गई थी। वीपी सिंह ने इसका जवाब ढूंढ लिया। जर्मनी की कंपनी HDW से पनडुब्बी खरीद का मसला असली में आया वो सबमरीन वाला, ये पनडुब्बी जो है नीचे से उभर आई, हमारे टेबल पे निकल आई और उसमें मालूम हुआ कि जर्मनी का जो एम्बेसडर है उन्होंने तार दिया था कि ये इसमें इंडियन एजेंट 7% जो है कमीशन ले रहा है, तो उसमें हम इंक्वायरी कर लिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में जर्मनी की HDW पनडुब्बी को पहली बार खरीदा गया। राजीव गांधी के समय में दूसरी बार सौदा हो रहा था। मंत्रिमंडल इसकी मंजूरी भी दे चुका था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस बात की तफ्तीश करवाई कि क्या पनडुब्बियों की कीमत कम हो सकती है। तब के पश्चिमी जर्मनी में भारत के राजदूत एम्बेसडर ने टेलेक्स के जरिए इसका जवाब दिया और कहा कि दाम कम नहीं हो सकता क्योंकि भारतीय दलालों को कमीशन की रकम दी जा चुकी है। हमें जानकारी मिली है कि जर्मनी के साथ पनडुब्बी सौदे में HDW कीमत इसलिए कम नहीं कर रही क्योंकि किसी एजेंट को 7% कमीशन दिया जाएगा। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। वीपी सिंह ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला। मास्टर स्ट्रोक था HDW सबमरीन पनडुब्बी। 9 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बिना कैबिनेट चर्चा के HDW सबमरीन खरीददारी में जांच के आदेश दे दिए। राजीव गांधी ने वीपी सिंह को मिलने के लिए बुलाया। आपने जांच के आदेश दिए बिना मेरी सलाह के? जी, जो टेलीग्राम मिला है उस पर जांच तो होनी चाहिए। आपको कैसे मालूम कि वो टेलीग्राम सही है? हम ये भी कैसे समझें कि वो गलत है? वो प्रॉपर चैनल से आया है, कोडेड है, उसमें भाषा भी सही है, किसी तरह का विरोधाभास भी नहीं है। इन आधारों पर हमें कोई कारण नहीं दिखता कि हम उस पर संदेह करें। आपके इस जांच का नतीजा क्या होगा? ये हम नहीं जानते कि क्या नतीजा होगा, लेकिन जांच जरूरी है क्योंकि नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो हमको राजीव बुलाए वहाँ अपने दफ्तर में पार्लियामेंट, कहे कि आपको कैसे मालूम कि ये तार सही है? हमको कैसे मालूम ये तार गलत? कांग्रेस के दो बड़े नेताओं राजीव गांधी और वीपी सिंह के रास्ते अलग हो रहे थे। वीपी सिंह के लिहाज से ये तय हो चुका था कि अब राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में उनके लिए जगह नहीं है। वीपी सिंह कैबिनेट छोड़ने का मन बना चुके थे। जांच का ऐलान करना भी उनकी रणनीति का हिस्सा था। वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को मंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। मंत्रिमंडल से इस्तीफे के 4 दिन बाद रेडियो पर एक ऐसी खबर आई जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने 155 mm होविट्ज़र गन्स के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में भारतीय राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को कई लाख डॉलर की रिश्वत दी थी। ये खबर यूरोपीय देश स्वीडन के रेडियो स्टेशन पर ब्रॉडकास्ट हुई थी। इसे सुनने वालों में जिनीवा में रहने वाली भारतीय मूल की पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम भी थी। Yeah, it was a very simple story. It was the Easter weekend, I remember, in April 16th or 17th. And it was a story running on Reuters. And I had a colleague who had stuck a piece of paper on my typewriter. Those days we had typewriters. Saying, the story simply said that Bofors, you know, had paid Indians and others to take home their biggest deal. The context, of course, was that it was not the only investigation. Bofors were selling arms to other countries, but the India thing came up as part of that investigation. So, yeah, I didn't break the story. It was the Swedish radio that wrote the story.
चित्रा सुब्रमण्यम ने इस मसले की रिपोर्टिंग शुरू की। बोफोर्स पर चित्रा सुब्रमण्यम की रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। स्वीडिश रेडियो का आरोप था कि हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ हुए रक्षा सौदे के लिए $1,42,00,000 की रिश्वत बांटी है। HDW पनडुब्बी और फेयरफैक्स का मुद्दा पहले से ही छाया हुआ था। जिस समय ये खबर आई उस समय पार्लियामेंट का बजट सत्र चल रहा था। संसद में खूब हंगामा हुआ। स्वीडिश रेडियो की खबर के चार दिन बाद राजीव गांधी ने संसद में बयान दे दिया। बोफोर्स की डील में कोई मिडलमैन नहीं है और किसी प्रकार का कमीशन नहीं दिया गया है। दरअसल जब संसद के अंदर बाहर ये हो हल्ला हो रहा था तब राजीव गांधी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लग रहे थे। सवाल ये पूछा जा रहा था कि कमीशन खाने वाले बिचौलिए कौन हैं और क्या उन बिचौलियों ने भारतीय नेताओं और अधिकारियों को गलत तरीके से प्रभावित किया है। जिस समय बोफोर्स तोप खरीदने का फैसला हुआ था उस समय रक्षा मंत्रालय राजीव गांधी के पास ही था। The problem was when the Bofors story broke, he said that neither his family nor he or his friends were involved, and that was a giveaway because there was no absolutely no accusation against him. It was just that Indians were involved at that point. We didn't know who they were. तोप बेचने के लिए दो कंपनियों के बीच टक्कर थी, एक फ्रांस की सोफमा और दूसरी बोफोर्स। दाम और खरीदारी को लेकर 1985 दिसंबर महीने से लेकर 23 मार्च 1986 तक बातचीत चली और इसके बाद 24 घंटे के अंदर राजीव गांधी ने खरीदारी को अपनी सहमति दे दी। लेकिन क्या बातचीत और सौदेबाजी से पहले ही ये तय हो चुका था कि बोफोर्स तोप ही खरीदी जाएंगी? स्वीडन में उस समय भारत के राजदूत बी.एम. ओझा ने अपनी किताब में लिखा है कि राजीव गांधी स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलफ पालमे के अंतिम संस्कार के लिए आए थे। 15 मार्च 1986 को उनकी मुलाकात स्वीडन के नए प्रधानमंत्री से हुई, यानी बोफोर्स सौदे पर हामी से 8 दिन पहले। 15 मार्च 1986 को अंतिम संस्कार से पहले राजीव गांधी स्वीडन के नए प्रधानमंत्री इंग्वार कार्लसन से मिले। पहले उन्होंने ओलफ पालमे की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की और उसके बाद सीधे वे मसले पर आ गए। उन्होंने इंग्वार कार्लसन को कहा कि तोप बोफोर्स से ही खरीदी जाएगी और इस बारे में उन्होंने फाइल में लिख भी दिया है। राजीव गांधी के कहे मुताबिक इस मुलाकात के 8 दिन बाद बोफोर्स को 400 से ज्यादा तोप देने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जिस दिन बोफोर्स को तोप सप्लाई करने का ठेका मिला उस दिन स्वीडन में कंपनी बोफोर्स हेडक्वार्टर पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया गया। लेकिन एक साल बाद ही हालात बदल गए। 16 अप्रैल को स्वीडन के सरकारी रेडियो स्टेशन ने घोटाले की खबर चलाई। दूसरे ही दिन से भारत की संसद और उसके बाहर राजीव गांधी सरकार को घेरा जाने लगा। राजीव गांधी सरकार ने स्वीडन से यह अनुरोध किया कि वे आरोपों का खंडन करें। स्वीडन में भारत के राजदूत बी.एम. ओझा ने लिखा है, इस अनुरोध के साथ वे वहां के अधिकारी कार्ल योहान ओबर्ग से मिले। कार्ल योहान ओबर्ग ने मुझसे कहा कि आरोप स्वीडन की प्राइवेट कंपनी के खिलाफ लग रहे हैं, इसलिए स्वीडन सरकार किसी भी तरह का खंडन करे ये सही नहीं होगा। इसलिए पहला कदम तफ्तीश होना चाहिए, ना कि स्वीडिश रेडियो रिपोर्ट का खंडन। बी.एम. ओझा ने लिखा है कि ये बातें उन्होंने तुरंत भारत सरकार को बताई और भारत सरकार ने भी बी.एम. ओझा से उन्हें तुरंत जांच करने के लिए स्वीडन से औपचारिक अनुरोध करने को कहा। लेकिन कुछ दिन बाद स्वीडन की सरकार ने किसी भी तरह की जांच से इनकार कर दिया। मैंने कार्ल योहान ओबर्ग से पूछा कि आप लोग बार बार इन्वेस्टिगेशन से इनकार क्यों कर रहे हैं। ओबर्ग ने कहा कि 27 अप्रैल को आपके प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री से बात की है। फोन पर राजीव गांधी ने कहा
कि बोफोर्स ने यह साफ कर दिया है कि उसने किसी भी दलाल को पैसा नहीं दिया है, इसलिए अब स्वीडिश सरकार की तरफ से किसी जांच की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा कि अगर बोफोर्स कंपनी खुद यह कह रही है कि रिश्वत नहीं दी गई, दलाली नहीं दी गई, तो आगे जांच की क्या जरूरत है। जब राजदूत बीएम ओझा ने यह बात सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री स्वीडन के प्रधानमंत्री से ऐसी बातें कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने अफसर से कहा कि शायद आपसे सुनने में कोई गलती हुई हो, अंग्रेजी समझने में कोई दिक्कत आई हो। कार्ल जोहानसबर्ग ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अंग्रेजी हमारी मदर टंग नहीं है, लेकिन हम अंग्रेजी समझ सकते हैं और मैं खुद वहां मौजूद था जब दोनों देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। भारत सरकार किसी घोटाले से इंकार कर रही थी और दूसरी तरफ राजदूत ओझा के मुताबिक स्वीडन की सरकार से भी जांच रोकने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन संसद के अंदर बाहर आरोप लगने बंद नहीं हुए। इसके जवाब में राजीव गांधी ने दिल्ली की एक रैली में बयान दिया, भारत की आजादी कैसे छिनी, कब छिनी? तब जब मीर जाफर और राजा जयचंद जैसे लोगों ने विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया। आप ऐसे लोगों से सतर्क रहिए जो विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर अपने देश के हितों को बेच रहे हैं। दिल्ली की रैली में राजीव गांधी ने राजा और गद्दार शब्द इस्तेमाल किसके लिए किया, ये बात किसी से छुपी नहीं। वीपी सिंह एक पुरानी रियासत मांडा के राजा हुआ करते थे, साफ था निशाना उन्हीं पर था। इसका जवाब वीपी सिंह ने भी दिया, हम तो कहते हैं कि असली मीर जाफर और जयचंद वो हैं जो देश का पैसा लूट लूट कर विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं और दूसरे देश फल फूल रहे हैं। ऐसा है कि हम लोग गहरवान ठाकुर और जयचंद गहरवान, ये इशारा, ये निशाना मेरे पिताजी की तरफ। राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी के अंदर वीपी सिंह के अलावा अब तक कई विरोधी खड़े हो चुके थे। इनमें वीसी शुक्ल, आरिफ मोहम्मद खान और अरुण नेहरू शामिल थे। आरिफ मोहम्मद खान शाहबानो मसले को लेकर राजीव गांधी से दूर हो चुके थे। 15 जुलाई 1987 को कांग्रेस के इन असंतुष्ट नेताओं की हरिद्वार में बैठक हुई। उसी दिन शाम को हरिद्वार बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में से आरिफ मोहम्मद, अरुण नेहरू और विद्याचरण शुक्ल को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। जब हम दिल्ली से चले हरिद्वार के लिए तो मैं समझता हूँ मेरठ पहुंचने में 6 घंटे लग गए और उससे ज्यादा वक्त लगा मेरठ से हरिद्वार तक। रास्ते में कोई लोगों के हुजूम, मतलब ऐसे हुजूम थे कि 2 किलोमीटर गाड़ी मुश्किल से चलती थी और पूरी जनसभा होती थी। तो अब जाहिर है कि उसमें फिर राजीव जी को बताया गया होगा कि ये तो खतरा बन गए ये लोग वगैरह वगैरह, और उसी दिन ये फैसला हो गया कि हमें पार्टी से निकाल दिया। कांग्रेस के इन नेताओं को निकाले जाने का विरोध जताते हुए वीपी सिंह ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। जवाब में राजीव गांधी ने वीपी सिंह को कांग्रेस से निकाल दिया। आखिरकार जांच के लिए 30 सदस्यों वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। विपक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ। इस कमेटी ने सरकार को क्लीन चिट दी। संसद की जेपीसी अपनी रिपोर्ट में राजीव गांधी सरकार को क्लीन चिट देती। उससे पहले चित्रा सुब्रमण्यम और एन राम ने द हिंदू में एक बड़ी खबर छापी। दिन था 23 अप्रैल 1988। रिपोर्ट में लिखा था
कि बोफोर्स ने स्विस बैंक के पिटको नाम के एक कोडेड अकाउंट में पैसा जमा कराया है और यह अकाउंट जीपी हिंदुजा का है। सरकार ने कहा कि इसका बोफोर्स तोप खरीदारी से कोई संबंध नहीं है। बोफोर्स तोप के मामले में कुछ और नाम सामने आए जब चित्रा सुब्रमण्यम को डायरी मिली। April 23, 1988 रिपोर्ट में लिखा था कि बोफोर्स ने स्विस बैंक के पिटको नाम के एक कोडेड अकाउंट में पैसा जमा कराया है और यह अकाउंट जीपी हिंदुजा का है। सरकार ने कहा कि इसका बोफोर्स तोप खरीदारी से कोई संबंध नहीं है। बोफोर्स तोप के मामले में कुछ और नाम सामने आए जब चित्रा सुब्रमण्यम को डायरी मिली। ये डायरी मार्टिन ऑर्डोवो की थी। जब भारत सरकार और बोफोर्स कंपनी के बीच तोप की सौदेबाजी हो रही थी, उस वक्त मार्टिन ऑर्डोवो बोफोर्स कंपनी के प्रमुख थे। उन्होंने अपनी डायरी में कोड भाषा का इस्तेमाल किया था, जैसे किसी के नाम की जगह उन्होंने क्यू लिखा, आर लिखा। ये क्यू कौन था, ये आर कौन था? खैर, ये जो भी हो, इनका बोफोर्स तोप सौदेबाजी से क्या लेना देना था? Ardbo's diary was an account of all the things that he went through during the Bofors investigation. Some of it was innocuous. Martin Ardbo was a fat man and was obsessed with losing weight. So many entries in the diary are about lost 2 kilos today, put on 1 kilo today. But he also talked about various other people who he referred to with an alphabetical soup. GP, we think, was GP Hinduja. There was also a man there referred to as Q. And he kept saying Q's involvement in the deal could be a problem because of his closeness to, I think, R, which is presumably Rajiv, and presumably Q was Quatroki. So that strengthens the impression that Quatroki was involved, judging by the Ardbo diaries. But whether Rajiv was also involved, the Ardbo diaries don't make clear. Bofors kaand ki paratein ek suspense thriller ki tarah khul rahi thi. Bade bade naam saamne aa rahe the. डायरी मिलने से ये बात साफ हो गई कि करार में आर्म्स एजेंट्स की तीन कंपनियां शामिल थी, पिटको, स्वेंस्का और एई सर्विसेज। पिटको जीपी हिंदुजा की कंपनी थी, स्वेंस्का विंचड्डा की, लेकिन एई सर्विसेज का मालिक कौन था? यू नो, अंटिल अबाउट 3-4 इयर्स आफ्टर द बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड, नोबडी रियलाइज्ड दैट एई सर्विसेज हैड एनीथिंग टू डू विद क्वात्रोकी। But when the Indian government was investigating all the Bofors accounts, it turned out that one of the accounts was linked to Ottavio Quatrochi in a Swiss bank. Now, whether the Quatrochi account was the AE services account or whether Quatrochi got money from Bofors in some other way, we don't know. But it seems clear that Quatrochi got some of the Bofors money. सही तरीके से proper investigation जांच की मांग हो रही थी। स्वीडन की सरकार भी जांच के लिए तैयार थी। लेकिन उस वक्त जांच हुई नहीं। जांच हुई तो लीपापोती के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए। लेकिन इन सब से एक व्यक्ति को बहुत फायदा हुआ और वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो जल्दी ही भ्रष्टाचार विरोध के प्रतीक बन गए, सिंबल बन गए। इस वक्त तक वीपी सिंह भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का चेहरा बन गए थे। तभी इलाहाबाद की सीट खाली हुई। वीपी सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इलाहाबाद की लड़ाई बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसमें वीपी सिंह को बड़ी जीत मिली। जीत से एक तरफ विपक्षी पार्टियां वीपी सिंह के नेतृत्व में खड़ी हो गईं और दूसरी तरफ राजीव गांधी की चुनावी हार का सिलसिला भी शुरू हो गया। वीपी सिंह ने विद्याचरण शुक्ल, रामधन, अरुण नेहरू, अरुण सिंह ने पहले ही जन मोर्चा बना लिया था। चार पांच दलों को मिला करके, जनता पार्टी को, अजीत सिंह के लोकदल को, देवीलाल के लोकदल को और कुछ छोटी मोटी पार्टियों को मिला करके जनता दल का गठन हुआ। जनता दल का गठन इसलिए हुआ क्योंकि तब तक एक जन आंदोलन सफलतापूर्वक एक मुकाम पर पहुंच गया था और इस बात की ज़रूरत थी कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है,
तो एक न्यूक्लियस पार्टी कोई होनी चाहिए। चुनावी माहौल बनने लगा था। वीपी सिंह ने बोफोर्स मामले को संसद से सड़क तक का चुनावी मुद्दा बना दिया था। वीपी सिंह चुनाव रैलियों और जनसभाओं में राजीव गांधी का नाम लेकर दावा कर रहे थे कि उन्होंने बोफोर्स तोपों की दलाली की। रकम लोटस नाम से विदेशी बैंक अकाउंट में जमा कराई गई है और वे सत्ता में आने के बाद पूरे घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड का चौराहा, इस चौराहे को हड़ताली चौक भी कहा जाता था। यहाँ वीपी सिंह एक चुनावी रैली में भाषण देने आए थे। बोफोर्स की कमीशन के पैसे जिन विदेशी अकाउंट्स में जमा है उनमें एक नाम लोटस भी है। लोटस का मतलब होता है कमल, और आप तो जानते हैं कि राजीव के नाम का मतलब भी कमल है। अब आप ही समझ लीजिए कि ये अकाउंट किसका है। सत्ता में आने के बाद 6 महीने के अंदर हम साबित कर देंगे कि राजीव गांधी बोफोर्स मामले में पूरी तरह शामिल है। चुनावी मैदान में वीपी सिंह राजीव गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप बहुत नाटकीय तरीके से लगा रहे थे। अरे 5 साल से राम राज चला है, वो कहते हम राम राज लाएंगे। उनकी जेब में अक्सर एक डायरी हुआ करती थी, वही सबको दिखाते और कहते, सेना के जवानों के साथ छल किया गया है, स्तोप के गोले आगे नहीं पीछे की ओर गिरते हैं, इस सौदे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मेरे पास उन स्विस खातों के नंबर और खातेदारों के नाम हैं, जिनके नाम पर बोफोर्स की दलाली जमा हुई है, इसमें बोफोर्स की दलाली खाने वालों के नाम और उनके स्विस खातों के नंबर लिखे हैं। कुछ याद आया आपको? आज जो नारा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगा और लगवा रहे हैं, कुछ ऐसा ही नारा राजीव गांधी यानी उनके पिता और तब के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके विरोधी लगा रहे थे। कहते हैं 1989 का चुनाव कांग्रेस पार्टी बोफोर्स की वजह से ही हारी, और वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी बोफोर्स की वजह से ही बने। वीपी सिंह ने राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा करने का वादा किया था। वीपी सिंह ने बोफोर्स दलाली मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन उनकी सरकार 11 महीने में ही गिर गई। बोफोर्स मसले में बड़ा खुलासा स्विट्जरलैंड की अदालत में हुआ। वहां पता चला कि एई सर्विसेज की असली मालिक ओतावियो क्वात्रोची और उनकी पत्नी मारिया क्वात्रोची हैं। बोफोर्स के खुलासे के बाद क्वात्रोची भारत में ही था, लेकिन 1993 में स्विस कोर्ट ने जब एई सर्विसेज से उसका संबंध जोड़ दिया तो वो भारत से चला गया। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि ओतावियो क्वात्रोची की दोस्ती गांधी नेहरू परिवार से थी। बहरहाल सीबीआई ने 22 अक्टूबर 1999 में इस मसले में चार्जशीट फाइल की। इसमें सीबीआई ने विन चड्ढा, ओतावियो क्वात्रोची, पूर्व रक्षा सचिव एस के भटनागर, बोफोर्स कंपनी और उसके प्रमुख मार्टिन अर्बडो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चला क्योंकि उनकी मौत हो चुकी थी। सन 2000 में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जिसमें श्रीचंद हिंदुजा,
गोपी चंद हिंदुजा और प्रकाश चंद हिंदुजा को भी आरोपी बनाया गया। 2002 में घोटाले के दो प्रमुख आरोपी विन चड्डा और एस के भटनागर का देहांत हो गया। 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। श्री चंद हिंदुजा और प्रकाश चंद हिंदुजा के खिलाफ भी केस 2005 में डिसमिस कर दिया गया। ओतावियो क्वात्रोची की 2013 में मौत हो गई। सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत में 2011 में बोफोर्स केस बंद करने की अपील दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया था। एक सरकार गिरी, दूसरी बनी, दूसरी गिरी, एक और सरकार बनी। इस बीच कारगिल की लड़ाई हुई। कारगिल की लड़ाई में पहली बार बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल हुआ। कहा जाता है कि इस लड़ाई में बोफोर्स ने काफी असरदार तरीके से काम किया। वैसे बहस ये कभी नहीं थी कि बोफोर्स तोप अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं या नहीं है, असरदार हैं या नहीं है। बहस तो ये थी कि बोफोर्स की खरीदारी में कमीशनखोरी हुई या नहीं, रिश्वतखोर कौन है, गुनहगार कौन है। कई राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन यह कभी पता नहीं चल पाया कि असली गुनहगार कौन है भी या नहीं। बहरहाल राजीव गांधी को कोर्ट ने इन आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है।